हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड ऑयल फ्री कराची हलवा। इसे बनाना भी बहुत आसान है और आप खाने के बाद इसे कभी भी एज अ डेजर्ट खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं ताकि आप सारी की सारी चीजें इकट्ठी करके एक जगह पर रख लें और इसे बनाना आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चीनी 1 कप, मक्के का आटा 1 बाउल, ग्रीन फूड कलर 1/2 टीस्पून, इलायची 5 से 6। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी ऑयल फ्री कराची हलवा को बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2-3 ग्लास पानी डालकर इसे उबाल लेंगे। जब पानी उबलने लगे तो इसमें चीनी डालकर इसे मिला लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल जाए और ये एक चाशनी बन जाए। अब एक बाउल में हम मक्के का आटा डालेंगे, फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट कर इसे एक थिन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद इस पेस्ट को चीनी और पानी के घोल में डालेंगे और हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे, जिससे इसका एक थिक पेस्ट बन जाए। याद रहे, चाशनी में आपने इस पेस्ट को डालते ही बहुत तेजी से पकाना है ताकि इसमें लम्प्स ना आ जाएं। अब हम इस मिश्रण में ग्रीन फूड कलर डाल लेंगे और इसको पेस्ट में मिला लेंगे। फिर हम 5 से 6 इलायची कूट कर बारीक कर लेंगे और फिर बारीक किए हुए इलायची को हम अपने कराची हलवा में डाल लेंगे और इस पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पेस्ट को हम 20 से 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। दोस्तों, हमारा ऑयल फ्री कराची हलवा बनकर तैयार है। ऐसी ही और जीरो ऑयल रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें।